ऐसा कोई भी क्राइम जो मोबाइल, कंप्यूटर्स या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके साथ किया जाता है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो अब आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ऑनलाइन धमकी दे रहा है किसी भी माध्यम से, मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या फिर आपकी पर्सनल फ़ोटो पब्लिश कर रहा है, या फिर आपके नाम से कोई फेक आईडी बना रखी है, या फिर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम पे, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, इसके द्वारा आपके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड किया जाता है, या फिर जॉब के नाम से आपसे पैसे लिए गए हैं और आपके साथ फ्रॉड किया गया है, तो इन सब की शिकायत आप गवर्नमेंट की साइबर पोर्टल पर कर सकते हैं। और ये कैसे करना है आज की वीडियो में ये पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल YouTube हिंदी। साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिपोर्ट करवाने के लिए आपको cybercrime.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी भी साइबर क्राइम को इंस्टेंट रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 1930 हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट की गई है, जिसके द्वारा आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं कॉल के द्वारा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर बताया हुआ है कि किस प्रकार आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। और ज़्यादा इन्हें देखने के लिए आप व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद सारे डेमो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपको एक डेमो यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ। सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर, आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ। मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। आप चाहें तो इन ऑडियो को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ इन्हें आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो भी ऑनलाइन वगैरह कुछ भी काम करते हैं तो उस पे होने वाली धोखाधड़ी से वो बच सकें। इस वेबसाइट्स पर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसी भी वोमेन या फिर चाइल्ड के साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप अपना नाम बताए बिना भी उसकी रिपोर्ट यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अदर साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए आपको रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी रिपोर्ट आप करते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर वो रिपोर्ट गलत हुई तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिसके बाद आपको फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ISF पे क्लिक करना है। अगर आप इस वेबसाइट पर पहले भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर चुके हैं तो सिटीजन लॉगिन पर जाकर आपको अपनी यूजर नेम पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम कोई भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। इसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद सबसे पहले आपको यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिस प्रकार से आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, आप टाइटल में क्या लगाते हैं वो डालना है, आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर, ईमेल आईडी, फादर नेम, ये सब चीज़ें आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद इसे आपको सेव कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये एड्रेस डाला हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ वापस ऊपर आना है और रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपसे जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, सोशल मीडिया के द्वारा हुआ है, फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है, हैकिंग हुई है, या फिर ऑनलाइन साइबर ट्रैकिंग हुई है, या फिर गैम्बलिंग हुई है। तो इस प्रकार से जो भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके साथ हुए फ्रॉड की सब कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी है, जिस प्रकार से आपका जो फ्रॉड हुआ है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड हुआ है, या फिर डीमेट अकाउंट, या ई वॉलेट, या फिर कॉल के द्वारा हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये पूछेगा कि जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसमें क्या आपने अपनी कोई मनी लॉस्ट की है, तो अगर आपने पैसे लॉस्ट किए हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो रहने देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको वो तारीख डालनी है कि जिस दिन आपके साथ फ्रॉड हुआ था उस समय टाइम कितना था, मिनट कितनी थी, सुबह का टाइम था या फिर शाम का टाइम था, ये सभी चीज़ें आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप अपनी रिपोर्ट करने में देरी कर रहे हैं,
तो अगर आपने देरी की है तो येस आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपने देरी क्यों की है, तो वो रीज़न आपको यहाँ पर डाल देना है। और अगर आप तुरंत रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसको आपको नो पर ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर ये पूछेगा कि आपसे जो फ्रॉड हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, मेल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जिस भी माध्यम से हुआ है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप सेलेक्ट किया है, तो अगर आपके साथ भी व्हाट्सअप के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इमेज के रूप में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल हैं तो उनकी एक पीडीएफ बनाकर उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, और इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है, तो ये फाइल आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपके साथ मल्टीपल कोई फ्रॉड हुआ है तो दूसरा नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से दूसरा फ्रॉड आपके साथ मेल के साथ हुआ है तो आपको मेल पर क्लिक करके और उसकी जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है वो आपको यहाँ पर अपलोड करके दोबारा से ऐड पर क्लिक कर देना है, और वो फाइल भी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। इसके बाद फ्रॉड करते समय आपके साथ जो भी घटना हुई थी वो सब आपको यहाँ पर लिख देनी है, और इसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उस सस्पेक्ट की डिटेल डालनी है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आपको जो भी उसके बारे में मालूम है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपको उसका नाम मालूम है तो यहाँ पर आपको उसका नाम डाल देना है। इसके बाद अगर आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल आईडी या फिर इशू कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट इशू कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी कार्ड है आपको पता है उसके बारे में, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसके जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको डाल देने हैं, और यही सब चीज़ें डालने के बाद आपको इसे ऐड पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल ऐड हो जाएगी। अगर सस्पेक्ट एक से ज़्यादा है, आपको उसके बारे में भी पता है, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसकी भी आईडी आपको सेलेक्ट करके उसके आईडी नंबर डाल के उसे भी आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देना है। इसके बाद उस सस्पेक्ट्स का कोई भी फोटोग्राफ है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको उस सस्पेक्ट्स का एड्रेस भी मालूम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और उसका कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देना है। अगर आपको एड्रेस मालूम नहीं है तो इसे आपको नो ही रहने देना है, और आपको नीचे जाके सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर विक्टम्स की डिटेल पूछी जाएगी, यानी कि ये घटना जिसके साथ हुई है उसका नाम, पता, एड्रेस, वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले उसका नाम आपको डाल देना है, उसके मोबाइल नंबर, जेंडर, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नेम, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर की एक आइडेंटिटी आपको डालनी है, जिस प्रकार से आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर विक्टिम का कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपको डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके द्वारा की गई कंप्लेंट का पूरा प्रीव्यू दिखा देगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत डल गई है तो यहाँ पर उसे आप वापस चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा भरी गई सभी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है और कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको एक ग्रीवेंस नंबर मिल जाएंगे जो कि आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिए जाएंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर लेना है, या फिर किसी भी कॉपी पेन के द्वारा आप इसे नोट करके रख लीजिए। यहाँ पर नीचे आप अपनी रिपोर्ट को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके द्वारा की गई ये रिपोर्ट आपके नज़दीकी थाने के अंदर भेज दी जाएगी, जहां से एक इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर आएगा और आपसे जो भी घटना हुई थी उसके बारे में पूरी डिटेल पूछेगा। तो आपको जो भी घटना घटी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देनी है। आपको अपनी साइबर क्राइम रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए इसी वेबसाइट पर वापस आना है और यहाँ पर ट्रैक योर कंप्लेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिले थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद यहाँ आप अपनी रिपोर्ट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपकी रिपोर्ट अंडर प्रोसेस में है। तो अगर आपके साथ भी इसी प्रकार से कोई भी साइबर क्राइम हुआ है तो आप घर बैठे अपने लैपटॉप या पीसी के द्वारा इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।